लेकिन भाजी, नहीं, हम नहीं न्योता दे लेते हैं अपने बाकी के गेस्ट को भी। संजय बांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जीएस विवेक भी बहुत सारे फैंस के साथ ईडन गार्डन्स के मैदान पर खड़े हैं इस वक्त। संजय, सबसे पहले तो आप भी एबीपी के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं विराट कोहली तक अपनी मुबारकबाद पहुंचाने के लिए। क्या दिन उन्होंने चुना है, आज अपना 49वां शतक लगाया और सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए, अपनी कहानी खुद लिखते हैं और इस तरह के मौके पर अपना 100 बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और एक डिफ़िकल्ट विकेट था, क्योंकि आसान विकेट था नहीं, बॉल काफ़ी ग्रिप कर रहा था और जो शुरुआत मिली उसके ऊपर पूरी तरह से बने रहे और पूरे 50 ओवर खेले। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सिंगल डबल से खेलते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं, सारी रिस्क कट करके खेलते हैं और इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि और इस दौर के मैं समझता हूँ ये सबसे बड़े खिलाड़ी भारत की तरफ से। एक तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, दूसरी तरफ गोट ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। और विवेक, आपके पास आ रहे हैं, फैंस से भी बात कीजिए, आप अपनी तरफ से भी। आपने कहा था कि आज का दिन यादगार हो सकता है, कुछ आंकड़े जो सुबह आपने बताए थे वो सब एक रूटीन सा हो गया विराट कोहली के लिए, नए रिकॉर्ड बनाना, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जाना। विवेक, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ प्रीति, आपको हम बता दें कि यहाँ पर फैंस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश हैं कि आज अपने जन्मदिन में उन्होंने अपना 100 बना दिया है। कोहली विराट जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। विराट 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 कोई कुछ कह नहीं रहा है प्रीति, सिर्फ कोहली कोहली यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि विराट ने ऐसी अच्छी पारी खेली है। सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर यह है कि अगर हम भारतीय पारी की बात करें, यहाँ पर बहुत ही खास खास और दूसरी विराट कोहली की सोची समझी पारी, और यही सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर विराट कोहली की कि वो सोच समझ कर पूरे इनिंग्स को अपना कैलकुलेट करते हैं। और शायद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज आज की तारीख में होगा जो अपनी पारी को इतनी अच्छी तरीके से कैलकुलेट करता हो कि उन्हें पता हो कि कौन से गेंदबाज को टारगेट करना है, कौन से गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने हैं और कब इनिंग को होल्ड करके रखना है। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो 15-16 में से 11 पारी में विराट ने वर्ल्ड कप में 50 से ऊपर का स्कोर बनाया है और इसी वजह से आज ये हर कोई यहाँ पर कोहली कोहली का गुणगान कर रहा है। आपने विवेक, जब वैसे भी विराट कोहली मैदान में होते हैं तो कुछ कहने सुनने की कसर रह नहीं जाती है और आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने पूरे देश को जो तोहफा दिया है अपने शतक का, वो तो काबिले तारीफ है ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।